हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एचसीएफ वाला टॉपिक। तो इसमें हमने चार पार्ट कंप्लीट कर लिए थे इसके, आज हम करेंगे इसका पार्ट फाइव, फिफ्थ पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, हम क्या निकालेंगे, हम देख लेते हैं। हमने पीछे देखा था जो फोर्थ पार्ट था, इसमें हमने देखे थे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल के, हमने निकालना था एचसीएफ, निकालना था डेसिमल का। ठीक है, तो इसका हमने रूल देखा था, आज हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि डेसिमल का जो एचसीएफ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर वन। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर वन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16.5, 0.45 एंड 15। ठीक है, ये हमारे पास है तीन नंबर्स, इसका हमने निकालना है एचसीएफ। ठीक है, हमारे पास नंबर है 16.5, दूसरा नंबर है 0.45, तीसरा नंबर है 15। ठीक है, तो रूल में हमने देखा था सबसे पहले तो जो नंबर्स है इसको हमने बराबर बराबर डेसिमल में लिखना है। जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने दो नंबर है, यहाँ पे भी हमने दो बनाने हैं, यहाँ पे भी दो बनाने हैं। तो कैसे लिखेंगे, इस नंबर को हम लिखेंगे 16.50। ठीक है, इस नंबर को सेम रखेंगे 0.45, इस नंबर को हम लिखेंगे 15.00। ठीक है, जहाँ पे हमने आगे नंबर बनाने हैं तो हम वहाँ पे 00 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो हमने क्या करना है, पॉइंट को हटा के जो नंबर्स हमारे पास मिलते हैं उनके हमने निकालने हैं, एचसीएफ निकालना उनका। ठीक है, तो पॉइंट को हटा के हमारे पास नंबर बनता है 1650, यहाँ पे पॉइंट को हटा के हमारे पास बन जाता है 45, और यहाँ पे पॉइंट को हटा के हमारे पास बन जाता है 1500, इस तरीके का कुछ बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ बन जाता है, इसका हमने अब निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ अगर हमने इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मैंने पीछे भी बताया था कि हम अगर एक का भी एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारे पास सबका एचसीएफ निकल जाएगा। तो हमारे पास 45 है, 45 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 9 5 ज़ा 45, देन हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये हमारे पास तीन फैक्टर्स इसके आगे प्राइम फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इनको डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, ये भी डिवाइड हो जाएगा, देन हम 3 से डिवाइड करें इसको और इसको, ये डिवाइड होगा या नहीं होगा हम देख लेते हैं। हम देखें अगर ये वाला डिवाइड हो रहा है 3 से, ये वाला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये वाला भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो बार 3 है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले के भी हमने फैक्टर्स करने पड़ेंगे। मान लो एक किसी एक इसमें से फैक्टर कर लेते हैं, तो एक के फैक्टर कर लें, यहाँ पे आया हमारे पास ये वाला 15 1500। ठीक है, इसको हम अगर करें 5 से अगर हम करें, ठीक है, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इस तरीके का कुछ आया, 3 से करें, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ऐसे आ गया। उसके बाद इसको हम डिवाइड करें अगर, तो इसको 5 से अगेन डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स 20 आ गया। इसको अगेन 5 से कर सकते हैं हम, 5 5 4 ज़ा 20। ठीक है, इसको अगेन 2 से कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इसमें हम कॉमन टर्म देखें इन दोनों के बीच में, तो हमारे पास कॉमन कौन सी है, एक 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हो गया, जो कॉमन फैक्टर हमारे पास इसमें है वो है 5 एंड 3, 5 एंड 3 कॉमन है, दैट मीन्स जो एस सी एफ आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 5 इंटू 3, दैट मीन्स ये आ गया 15। ठीक है, तो 15 हमारे पास आ गया सिंपल नंबर में, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किया था, पॉइंट को नंबर में कन्वर्ट किया था, अब हम अगेन इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट आया था, तो हम यहाँ पे भी दो डिजिट के बाद पॉइंट लिखेंगे, एक डिजिट दो डिजिट यहाँ पे पॉइंट आएगा, दैट मीन यहाँ पे आ जाएगा 0.15। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ऐसे ही हमारे पास एग्जाम में हमारे पास चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन में ये वाला आंसर होगा, तो ये वाला आंसर हमने टिक कर लेना है।
यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल नंबर दो है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, या हमने एचसीएफ फाइंड करना 1.7, 0.51 एंड 0.153 का। ठीक है, इसका एचसीएफ हमने फाइंड करना, तो इसका एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। हमारे पास है एग्जांपल नंबर सेकंड, हमारे पास है 1.7, ठीक है, 0.51, देन 0.153, इस तरीके का है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा था कि जो नंबर थे हमारे, हमें उनको सेम पॉइंट में लाना था। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद थ्री नंबर्स हैं, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे थ्री है, तो सबको हमने थ्री थ्री नंबर लाने हैं पॉइंट के बाद। दैट मीन 1.7, आगे यहाँ पे कितने नंबर रिक्वायर्ड हैं, दो नंबर, तो जीरो जीरो लगा दिया। यहाँ पे 0.51 एक नंबर रिक्वायर्ड है, तो जीरो लगा दिया। यहाँ पे 0.153, ठीक है, ऐसे आ गया। उसके बाद हमने ये नंबर लिखने हैं पॉइंट हटा के, पॉइंट हटा के लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1700, ये बन जाएगा 510 और ये बन जाएगा 153। ठीक है, तो इसके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम इन दो नंबर्स को ले लेंगे, इन दो नंबर्स को इसलिए लेंगे क्योंकि ये वाले दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये दो नंबर जब हम लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1700, ठीक है, और ये आ गया 510। ठीक है, इसको हम दो से डिवाइड करेंगे, इसको भी दो से, मान लो इसको पहले कर लेते हैं, दो से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास, दो नंबर को पहले देख लेते हैं, 8 2 16 बचा हमारे पास 1, दैट मीन यहाँ पे 100 हो गया, 15 2 100, ठीक है, 850। ठीक है, उसके बाद इसको अगेन 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8, देन 50 है, 25 2 15, ठीक है, देन अगेन इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से करेंगे, देन 42 है, देन 8 5 40, ठीक है, यहाँ पे 2 हमारे पास चला गया कैरी, यहाँ पे 25 बन गया, दैट मीन्स 5 5 25, ठीक है, अगेन इसको भी 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 5, यहाँ पे बचा 3 3 कैरी चला गया, दैट मीन 35 बच गया, 7 5 35, यहाँ पे बच गया 17। ठीक है, तो इसको अगर हम करें, 2 2 4, यहाँ पे 1 बचा, आगे चला गया, 11 बन गया, 2 5 10, 1 बचा, यहाँ पे आगे चला गया कैरी, 10 हो गया, 5 2 10, दैट मीन 255, इसको हम 5 से करेंगे, 5 5 5 25, ठीक है, 5 1 5, ठीक है, देन हम इसको 3 से डिवाइड करें, 17 3 51, ठीक है, तो इसमें देखें हम कॉमन कौन सी टर्म्स है हमारे पास, यहाँ पे 17 कॉमन है, यहाँ पे भी 17 है, दैट मीन्स इस थर्ड वाले में भी 17 होगा हमारे पास। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 17 है, तो देयर फोर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इक्वल टू 17 है, लेकिन 17 हमारे पास ये जो टर्म थी वो डेसीमल में थी। ठीक है, डेसीमल में थी, हमें इसको कन्वर्ट किया था सिंपली नंबर में, तो अब हमने अगेन इस नंबर को डेसीमल में कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना है यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, दैट मीन यहाँ पे हमें और 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, 0.017। ठीक है, तो इस तरीके का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया आंसर, यहाँ पे है 0.017। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन में आपके पास 0.017 होगा जो आपको टिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एचसीएफ ऑफ वुलगर फ्रैक्शंस। ठीक है, वुलगर फ्रैक्शंस का एचसीएफ हमने निकालना है, तो हम देख लेते हैं वो हम कैसे निकालेंगे। डेफिनेशन हमारे पास, द एचसीएफ ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस इज द हाईएस्ट फ्रैक्शन विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, तो जो एच सी एफ है हमने निकालना, इसमें दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस का, वो हमारे पास होगा हाईएस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, वो होगा किसके बराबर, हाईएस्ट फ्रैक्शन के बाद, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फ्रैक्शन, जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा ईच ऑफ द फ्रैक्शन से। ठीक है, तो इसमें हम रूल देखेंगे, रूल हमारे पास क्या है, हमने कैसे निकालना है, फर्स्ट एक्सप्रेस द गिवन फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट फॉर्म। ठीक है,
तो जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगी उसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद जो हमारे पास एस सी एफ होगा, एस सी एफ अगर हमने निकालना है तो वो एस सी एफ किसके बराबर होगा, इक्वल टू एस सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर बाय एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एस सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक सिंपली एग्जांपल ले लेता हूँ, वो हम एग्जांपल पूरी नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, पूरी एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस की बात हो रही, मान लो कोई टर्म ऐसे है 2/3 टर्म है, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, ऐसे ही मान लो दो तीन फ्रैक्शन है, यहाँ पे 3/2 है, कुछ भी है, मान लो ये दो फ्रैक्शंस हमारे पास हैं। तो अगर इसका हमने एस सी एफ निकालना होगा दोनों का, तो वो किसके बराबर होगा, एस सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर, दैट मीन एस सी एफ ऑफ किसका, एस सी एफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर आगे ऊपर वाली टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे हम अगर 3/2 लिखें तो ये जो 2 है ये हो गया न्यूमिनेटर, इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली टर्म है डिवाइडर में उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये बोल रहा है, फार्मूला बोल रहा है जो एस सी एफ अगर हमने निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू एस सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर। तो एस सी एफ न्यूमिनेटर का, न्यूमिनेटर में वैल्यू है 2 एंड 3, 2 एंड 3 का एस सी एफ डिवाइडेड बाय एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एल सी एम, दैट मीन 3 और 2 का एल सी एम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कुछ करना है, आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हमें पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एस सी एफ ऑफ, एस सी एफ निकालना है किसका, एक नंबर हमारे पास ये है 54/9, एक नंबर है 3:9/16, 9/17, एक नंबर है 36/51। ठीक है, तो इसका हमने एस सी एफ निकालना है, तो वही हम मैंने बताया था कि जो एस सी एफ निकालते हैं हम फ्रैक्शंस का, ये सारी फ्रैक्शंस है। ठीक है, ये सारी क्या है, फ्रैक्शंस है। तो फ्रैक्शंस का एस सी एफ निकालने के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला हमारे पास था, पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, एस सी एफ फ्रैक्शंस का किसके बराबर था, एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स, एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो ये था फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला था, उससे पहले हमने इसमें जो भी हमारे पास जो वैल्यू दी थी इसको हमने रिड्यूस करना है इसकी लोएस्ट फ्रैक्शन में। तो लोएस्ट फ्रैक्शन में कैसे रिड्यूस करेंगे, जैसे हमारे पास 44/9 है, 54/9 है फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड है 3:9/17, देन थर्ड वैल्यू है हमारे पास 36/51। ठीक है, इसको हमने लोएस्ट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे हम 9 से इसको डिवाइड करें, 9 1 ज़ार 9, ठीक है, 9 6 ज़ार 54, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा 6/1। इसको अगर हमने करना हो तो इसको हम करते हैं, इसको इससे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें प्लस कर देते हैं ये वाली टर्म, दैट मीन ये हो जाएगा 3:17+9/17, और ये हमारे पास 36/17 है, इसको हम जब करेंगे ये बन जाएगा 12/17। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 6/1, दूसरा ये बन गया हमारे पास 60/17, और ये बन गया हमारे पास 12/17। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, एस सी एफ की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फार्मूला था एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर का एस सी एफ, दैट मीन एस सी एफ ऑफ 6:16:12 डिवाइडेड बाय एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एल सी एम, दैट मीन 1:7:17 का एल सी एम। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने निकालना है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/17। ठीक है, इसका जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स यहाँ पे 6 हमारे पास यहाँ पे है, 6 से अगर हम इसको डिवाइड करें 60 को, 60 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 12 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 6 है। ठीक है, अगर मान लो 6 से ये वाली टर्म डिवाइड नहीं होती तो फिर हमने 6 के फैक्टर पहले निकालने थे, उसके बाद हमने वैल्यू निकालनी थी, लेकिन 6 से सारी टर्म डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6, 60 और 12 का, वो है 6। ठीक है, देन हम बात करें एल सी एम ऑफ 1:17:17, तो
तो एलसीएम निकालना अगर हमने इस चीज का, तो वो कितना होगा? वो होगा हमारे पास 17, ठीक है। एलसीएम होता है हमारे पास लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मीन्स जो कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पे 17 यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स दो में 17 है, तो दैट मीन्स ये कॉमन टर्म है। एक से ज्यादा बार है, दैट मीन्स ये कॉमन टर्म है, तो हम लिखेंगे 17। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 6/17, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, नोट हम देख लेते हैं एक बार नोट। इसका मतलब ये हुआ, वी सी दैट ईच ऑफ द नंबर्स इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 6/17। दैट मीन जो नंबर हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हैं किससे? 6/17 से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड में हमारे पास क्या है? सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, ठीक है। हमने फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट लेंथ, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ दैट इज कंटेन्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन 3:1/2 मीटर, 8:3/4 मीटर, ठीक है। दो हमारे पास टर्म्स है, ठीक है। तो इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। इसमें हमारे पास है दो टर्म्स है, दो नंबर्स हैं 3:1/2, और एक है 8:3/4, ठीक है। इसको हमने इसमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, 3:2, 3:2 6+1 7/2, ये हो गया 8:4, 32+3, 35, 35/4, ठीक है। दो नंबर्स हमारे पास आ गए 7/2, 35/4, ठीक है। तो हमारे पास जो एस सी एफ का फॉर्मूला था, एस सी एफ इक्वल टू एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो एस सी एफ जो था न्यूमरेटर का हम लिखेंगे एस सी एफ ऑफ 7:35, 7:35 का एस सी एफ लिखेंगे, एस सी एफ ऑफ 7:35 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आगे 2 एंड 4, 2 एंड 4, 2 एंड 4, ठीक है। तो अगर हम एस सी एफ निकालें 7 एंड 35 के बीच में, वो आएगा 7, क्योंकि 7 है, 7 से हम 35 भी डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली, दैट मीन्स ये जो इसका एस सी एफ है वो 7 है। और एलसीएम की बात करें, 4 और 2 का एलसीएम, दैट मीन्स हम अगर बात करें यहाँ पे 4 के फैक्टर हम निकालें तो 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 एंड 4 का, सॉरी ऐसे बन जाएगा, ये 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, दैट मीन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 आ गया 4, दैट मीन एलसीएम आ गया इसका 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/4 करेंगे, जब हम 7/4, 4 1 4, यहाँ पे बचा 3, दैट मीन 1:3/4, इसको हम लिख सकते हैं 1:3/4। तो ये आ गया हमारे पास मीटर में, 1:3/4 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास 1:3/4 मीटर आंसर। वैसे ही हमारे पास एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से 1 ऑप्शन में ये वाला आंसर हमारे पास होगा, हमने क्या करना है, इस आंसर को टिक कर देना है। इफ यू लाइक द वीडियोस देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।